में हॉलीवुड है तो बॉलीवुड के पास यूएस मैं चाहता हूँ सब साइलेंट यूएस के पास अपने मोबाइल पे जैसे यूएस के पास हॉलीवुड है यूएस के पास हॉलीवुड है हमारे बॉलीवुड के पास यूएस है वाह वाह उदय सिन्हा और मुझे लगता है कि ये किताब हम जैसे प्रोड्यूसर्स को जो इंस्पायरिंग प्रोड्यूसर हैं नए प्रोड्यूसर हैं बजट में फिल्म बनाते हैं मिथिलेश जी सपोर्ट करते हैं नए कलाकारों को तो ऐसे लोगों को और साथ साथ में एस्टेब्लिश लोगों को बहुत हेल्प करेगी कैसे आपको फिल्म बनाना है इसमें लिखा हुआ भी है संपादक सिनेमा क्षेत्रीय सिनेमा फिल्म प्रोड्यूसर निर्देशक सबके लिए ये है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है आगे चल के बहुत काम करेगी और ऐसी एक किताब पाकिस्तान को भी खरीदना चाहिए पाकिस्तान टीम को खरीदना चाहिए कि कैसे जोश में खेला जाए क्योंकि आपने देखा कल 16 तारीख थी 16 तारीख को हमारे इंडिया की टीम ने ऐसा शोला बरसाया कि बारिश बरसने के बाद भी शोला ठंडा नहीं हो पाया मतलब ये समझ लीजिए कि अपने बीजेपी जो है मोदी जी चाय के कप वाली टीम तो जीत चुकी थी अब वर्ल्ड कप वाली टीम भी जीतने की तैयारी में इससे ये साबित होता है हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है मैं उनकी जिक्र करना चाहता हूँ भाई वो तो चाहते हैं वो जानते हैं कि इंडिया की जो टीम है क्रिकेट टीम बहुत खतरनाक क्योंकि भैया वो पहले क्रिकेट टीम में रह चुके हैं क्रिकेटर रह चुके हैं पता है इंडिया की टीम की ताकत क्या है इसलिए कप्तान और कप को तानने का सपना नहीं देख सकते पाकिस्तान का कप्तान जो है उबासी ले सकता है और उदासी ले सकता है इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच ही क्यों इनका मैच होता है और हारने का सबसे बड़ा कारण है उनके ड्रेस का कलर हरा गवर्नमेंट ने उनको कलर हरा दिया इसलिए उन्होंने अपना मैच हरा दिया हमेशा मैं समझता हूँ कि एवरग्रीन रहे सदाबहार रहे और सदा हारते रहे तो हमारे इंडिया की टीम को जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं और इस बुक के माध्यम से सोच आई एक तो मैं बेकार था काम नहीं था सबसे बड़ी सोच कारण वही है तलाश थी काम की काम मिल नहीं रहा था उसी दरमियान मेरा एक मित्र आया जिसे मैंने फिल्म बनाने के लिए मना किया तू मत बना तू बना नहीं सकता 3.25 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी कहानी फर्स्ट डे शूटिंग तक नहीं पहुंची वो घर पहुंच गया उनको देखकर मुझे और दया आई दर्द भी हुआ और उस दर्द के एहसास ये किताब इस किताब के लिए पहले इस किताब के ज़्यादा वक्त नहीं लगा है वक्त लगा मुझे फिल्म मेकिंग लिखने के लिए फिल्म मेकिंग कंप्लीट करने में मुझे 5 साल लगे जो इंग्लिश में मैंने लिखी थी और उस किताब को कंप्लीट करने के बाद पब्लिक डिमांड पर मैंने हिंदी में लिखा उसमें जो त्रुटियाँ रह गई थी पढ़ने के बाद जब कंप्लीट हो गई लॉन्च हो गई मार्केट में चली गई उसके बाद जब रिव्यूज़ आए और कुछ किताब के हिस्से को मैंने फिर से पढ़ा तो मुझे ऐसा कोई सही समय में छोड़ सकता हूँ सर आपने क्या 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 विषयों में आपने फोकस किया है मतलब वो बताइए द एंटायर प्रोडक्शन यू हैव 23 सब्जेक्ट्स चैप्टर है और हर चैप्टर अपने आप में एक किताब लिखने लायक चैप्टर है कि सिनेमा ग्लोबलाइज हो गया है पूरे देश में सिनेमा बन रहा है अब वो रीजनल सिनेमा नहीं लग रहा है हिंदी सिनेमा हो गया है पूरा देश हिंदी सिनेमा हो गया है वो एक ज़माना था जब रीजनल सिनेमा की बात की जाती थी अब जितने प्रोड्यूसर्स बाहर से बम्बई आते थे वो अब वहीं ये किताब पढ़ के पूरी फिल्म मेकिंग को जान जाएंगे जो कौन होते थे बम्बई आने के बाद जो कई ऐसे लोगों से फंस जाते थे जहाँ उन्हें जानकारी ही नहीं होती थी कि किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए किसके पास जाना चाहिए कैसे फिल्म बनती है वो सिर्फ पैसा होता था उनके पास अब उनको ये जानकारी हो गई कि फिल्म कैसे बनती है कैसे बनाई जाती है वो ये किताब उनके लिए एक तरह से गीता की तरह काम में आई ये बुक को पढ़ने का अच्छा मिला नॉलेज मिलेगा और उस बुक के जरिए मुंबई शहर में आएंगे यहाँ पर उनको ऑलरेडी
ऑलरेडी इसका इसकी जानकारी हो तो बहुत आसान हो जाए। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और आप मुझे प्रमोद सिंह जी जिन्होंने मुझे शॉर्ट नोटिस में बुलाया है उनको बधाई देना चाहूँगा। ये एक अच्छे आदमी की अच्छी मदद हो रही है और आप सबके जरिए ये बुक काफ़ी पॉपुलर हो, काफ़ी लोग पढ़े, नॉलेज हासिल। आप यदि उमरा करने गए थे एक्चुअली कि पूरा जो सिस्टम था 20 दिन का था मक्का मदीना का, और मैं समझता हूँ कि इस्लाम में मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी में एक बार कम से कम हज उमरा करना चाहिए। और मक्का मदीना में मेरी हाजिरी हुई, रमज़ान के महीने में गया था, मैं पिछले हफ्ते आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें मैंने फिल्मों में काम किया, बच्चों की शादियाँ थी, लेकिन ये अधूरा था जो उमरा हो गया और बहुत ज़िंदगी जो है स्थिर हो गई, एक ठहराव आ गया इस ज़िंदगी में। और मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को इस्लाम के जो लोग हैं उनको ऐसे मुकदस जगह पे जाना चाहिए जिनको मालिक ने जिसको नवाजा तो ज़रूर एक बार हज उमरा करना चाहिए। और मेरी आशा सफल हो गई है। पिछली बार जब मैं इनकी पहली पुस्तक जो इंग्लिश में थी वो मैंने देखा जाना, लेकिन मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट किया मैंने एक सजेशन दिया कि ठीक है इंग्लिश सबको इंग्लिश के प्रति एक कमज़ोरी है हमारे यहाँ, अंग्रेज़ी की भी किताब हो या अंग्रेजियत को हम थोड़ा ज़्यादा ही महत्व देते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर आप ये पुस्तक हिंदी में छापेंगे तो सभी लोग पढ़ेंगे और सबके मन में इच्छा होगी कि हम भी प्रोड्यूसर बने या डायरेक्टर बने या इसमें जितने सारी विधा है सब में हम भी अपना आजमाइश करें, और उसमें उनको इतना ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज मिलेगा कि वो करेंगे। हो सकता है मैं भी डायरेक्शन के क्षेत्र में चली जाऊं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और देखने के बाद। और एक बात और कहूँगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फिल्म इंडस्ट्री में, टॉप टू बॉटम डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जाना है, लेकिन इस आदमी ने जो लिखा है वन मैन शो है। एक आदमी इतना ज़्यादा बुद्धिजीवी हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, ये मैं सोच नहीं सकती थी। इतने सालों काम करने के बाद भी मैं अभी भी एक्टिंग का विद्यार्थी ही हूँ, तो इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझ पाऊँगा। और इस किताब के बारे में मुझसे पहले लोगों ने इतना कुछ बता दिया है कि अब इस किताब की महिमा का वर्णन करना मैं क्या करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रमोद जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतनी अच्छी नॉलेजियस पुस्तक से मेरा परिचय कराया। मैं अनुग्रहित हूँ सेनापति जी का जिन्होंने की इतनी अच्छी किताब लिखी, और प्रमोद जी का जिन्होंने इस अच्छी किताब से मेरा परिचय किया। पिचिंग पार्टी हुई थी तो मुझे याद है सर ने हम लोगों को बुलाया था और हम लोगों ने उस वक्त इनको यही दुआएं दी थी कि आप जल्दी से जल्द बनाएं और हम सब लोग इसको सहयोग करेंगे, मगर इनका ये कहना था कि आप तो सहयोग करोगे मगर ये बुक के माध्यम से ये जितने भी आज नए नए लोग जो फिल्म में आना चाहते हैं या फिल्में बनाना चाहते हैं या फिल्म में जो तकलीफें होती है उससे कैसे निजात पाएं, तो वो सब चीज़ें इस बुक में लिखी हुई है। और मैं समझता हूं कि जिसने ये बुक पढ़ ली वो फिल्म लाइन को पूरे नज़दीक से पहचान लेगा। तो मेरी तरफ से उदय जी को, सेनापति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी मिसेज को शुभकामनाएं जिन्होंने दोनों ने मिलकर 2 साल में आज इसको हम सब तक पहुँचाया और अब ये पब्लिश हो चुकी है। जिन लोगों को भी ये बुक चाहिए वो अपने पास के स्टॉल पर जाके उनसे मांगें, नहीं तो सेनापति जी से कांटेक्ट रखें, उनसे मंगाएं और फिल्म लाइन में अपनी किस्मत चमकाएं।